मुंशी प्रेमचंद जी की 142वीं जयंती के अवसर पर साहित्यकारों और प्रेमचंद को चाहने वालों ने बेतिहाता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया और उनकी याद में गोष्ठी और नाटक भी किया गया। आपको बता दें कि उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की 142वीं जयंती मनाएगी। मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली गोरखपुर ही रही, उन्होंने इसी शहर में अपनी पढ़ाई भी की और अध्यापक के रूप में पढ़ाया। उन्होंने दो बैलों की जोड़ी, ईदगाह, रामलीला, बूढ़ी काकी, कफन, पंच परमेश्वर, गोदान, गबन जैसी अन्य पुस्तकें लिखी हैं, जिसके संबंध में समाज सेवी डॉक्टर मुमताज खान ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर मुंशी प्रेमचंद पार्क में इप्टा द्वारा उनकी कहानी पर आधारित नाटक मैकू की प्रस्तुति की गई। उन्होंने कहा कि जिस शहर में मुंशी प्रेमचंद ने अपना बचपन और अपनी जवानी बिताया, वहाँ के लोग अब उनको अपने शहर से जुड़ा पाकर खुद को गर्व महसूस करते हैं। पिछले कुछ सालों से प्रेमचंद जी के साहित्य को लेकर गोरखपुर में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि स्कूल की किताबों से मुंशी प्रेमचंद की कहानियां भले ही धीरे धीरे गायब हो रही हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ने और उनके साहित्य के गहराइयों को समझने के लिए इस पार्क में आ रहे हैं, जो एक बदलाव का सुखद संदेश है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाज सेवी डॉक्टर मुमताज खान ने कहा, पुलिस वाले भी हैं और चिंता तो कह रहा था कि पुलिस ना बोलेगी। अरे बे, पुलिस कुछ ना बोलेगी,
अरे पुलिस तो वहाँ बोलती है भैया, यहाँ दो चार रुपये मिलते हैं और औरतों का मामला जहाँ होता है औरतों का। पुलिस कोई काम नहीं करती है बल्कि भैया पुलिस तो और सा जाती है। ठेकेदार ने तो पुलिस वालों को सैकड़ों रुपये दे रखे हैं। अब ऐसे समय भैया वो पुलिस वालों का साथ नहीं देंगे, ठेकेदार का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? अब उल्टा हमारे ऊपर कसर निकाल दे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भैया कोई कसर वसर नहीं निकालेंगे, तुम्हारी जान की ओर की जा रही है। हमारी जान नहीं अटकी जा रही है, हम तो ये कह रहे हैं भैया उल्टा कहीं हमारे ऊपर डंडा चलाने में क्या करेंगे? अरे भाई स्वराज ही किसी के ऊपर डंडा नहीं चलाते, भले ही कोई उनको मार पीट दे। अरे वो बिना मकसद के कोई काम नहीं करते हैं। आपकी मजहब में ताड़ी हराम है। अरे अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? ना ना मैं ना हटूंगा, आपको ताड़ी घर में नहीं जाना है। जी ताड़ी खाने में आपको नहीं जाना। हट रहा है, देख आओ देख तुमको भी। हट भाई भगवान भाई बस, तू का घूम रहा है तू बस। मैं ना जाने वाला, तुम जाओगे? नहीं अंदर नहीं जाने देंगे आपको। उठोगे कि नहीं? तू नहीं उठूंगा। देखो हमें अंदर जाकर के ताड़ी नहीं पीना है, हमें दूसरा काम है, हट जाओ बता दे रहे। नहीं नहीं मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आपको जाना ही है तो मेरी छाती पर से लात करके चले जाइए। आप तो खराब है, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उठ जाओ। तो मार ले खबर से, तो कैसे चलेगा एक नफ़ा? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं यहाँ सर झुकाए बैठा हूँ, आप चाहे जितना मार लीजिए। अरे लगाए आपको जाने के पास, लगाए कैसे थप्पड़? चलो अरे चाली नहीं पीता आपको, जाओ। ठीक है अगर आपने कहा है कि आपको दूसरा काम है तो जाइए, लेकिन हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, वादा ना भूलिएगा। चलो 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 चलो, वादा ना भूलिएगा। बहुत वादा है, ताली पिलाइए गुप्त में। हट गुप्त का है, हट ताली पिया है, ताली पिया है, हट वो मैंने नहीं किया और कुछ और कर बैठा, क्या करता? तुम्हारी रकूबत है तो मारो इस स्वराजियों को, मेरे रकूबत नहीं है। एक तमाचा। डॉक्टर मुमताज खान, आज प्रेमचंद जयंती के अवसर पर यहाँ इस परिसर में प्रेमचंद पार्क में पिछले 25-30 वर्षों से एप्टा द्वारा लगातार हर वर्ष एक नाट्य प्रस्तुति की जाती है उन्हीं की कहानी पर आधारित, तो उसी क्रम में आज जिस कहानी का नाट्य रूपांतरण करके यहाँ प्रस्तुत किया गया उसका नाम है मैकू। तो मैकू एक पात्र है जो ये महसूस कराता है कि समाज में जो विकृति है, शराब पीने की, ताड़ी पीने की या और भी चीज़ें हैं जिसे आप कह सकते हैं, तो वैश्यावृत्ति की या उसके बाद लड़ाई झगड़ा फसाद करने की, तो उसमें एक पात्र जिस मैकू ने जिस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित करके नाट्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वो इस बात का संदेश देता है कि गांधी जी ने उस ज़माने में जो शराबबंदी के लिए लोगों को आह्वान किया था तो उसी का एक रूप है, क्योंकि उनके ही कहने पे वो पूरे क्षेत्र में ताड़ी बिक्री बंद है और स्वराजियों ने पूरे ताड़ी खाने को घेर रखा है। तो आप देखें कि अगर इस गोरखपुर में ताड़ी खाने के उस समय के दौर को याद करें तो आपको लगेगा कि हाँ, जब ताड़ी बिक रही होती थी, लोग पीने आते थे, तो किस तरह से वहाँ चखना बेचने वाली महिलाएँ या आसपास कुछ वैश्याएँ टहलती रहती थी। तो ये जो प्रेमचंद जी सिर्फ लिख देते हैं उसको आप दृश्यांकित करते हैं तो आपको लगता है कि कहानी कुछ कहना चाहती है, उसी क्रम में आज की ये प्रस्तुति मैकू सबके सामने प्रस्तुत की गई। जयंती के अवसर पर ही तो हर वर्ष होता है ना भाई, और इसी क्रम में इप्टा के साथियों ने वहाँ पर प्रेमचंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद नाटक किया है।